हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये क्लास 8 एनसीईआरटी की सीरीज़ हमारी मैथ की चल रही है, जिसमें कि आज हम अपना एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यू विल गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? सपोज करिए कोई एक नंबर है, उसमें आप अगर 5/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप उसमें 2/3 ऐड करते हैं, तो आपका जो भी आंसर आता है वो -7/12 आता है। तो वो नंबर क्या है? तो सबसे पहले उस नंबर को x मान लीजिए, लेट द नंबर बी x। सबसे पहले क्या करना है, 5/2 का इस नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 5x/2 प्लस फिर उसमें क्या करना है, 2/3 ऐड करना है, तो आपको आंसर मिलेगा -7/12। नंबर को साथ में करेंगे तो 5x/2 इज इक्वल टू -7/12, ये +2/3 है तो उधर जाके -2/3, और जब एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 12, तो 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 और -8। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस की, तो आपका आ गया 5x/2 इज इक्वल टू -15/12। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, जो हो जाएगा -15/12 इंटू 2। और फिर क्या करेंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो x इज इक्वल टू -15/12 इंटू 2/5। अब देखिए 5 से 15 कटेगा 3 बार में, 2 से 12 6 बार में, 3 से 6 2 बार में, तो आ जाएगा आपका x के वैल्यू -1/2। ये आपका हो गया आंसर। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर किसी को और किसी सब्जेक्ट के नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लें।